हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर। आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले ओप्पो रिनो 3 प्रो में कैमरे टेस्ट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों फ्रंट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि पहला कैमरा है 44 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा है डेप्थ सेंसर के लिए, वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों बैक साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि पहला कैमरा है, हमें मेन कैमरा देखने को मिलता है, वो है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 64 मेगापिक्सल का। और उसके नीचे जो आपको कैमरा दिख रहा है वो है 13 मेगापिक्सल का, और एक कैमरा दिया गया है वो है 8 मेगापिक्सल का, और एक लास्ट में जो कैमरा दिए गए वो है 2 मेगापिक्सल का। तो ये था 4 कैमरा सेटअप, और साथ ही में एक फ्लैश LED लाइट देखने को मिल जाती है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कैमरा सेटअप है। तो इसके मैंने कुछ फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इसका कैमरा ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्लो मोशन, पोर्ट्रेट मोड, वाइट एंगल शॉट, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 20x तक इसमें जूम होता है। तो ये सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए मैंने इसके फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक किए जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिए, और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसका कैमरा क्वालिटी वो कैसी लगी। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट किया है, जो कि पीछे की इफेक्ट है वो पूरी तरह से ब्लर हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये पूरा परफेक्टली ब्लर कर देता है, मतलब आगे का जो दो कैमरा है उसकी यही करामत है, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये इफेक्ट कैसी लगी, ब्लर इफेक्ट। तो दोस्तों ये थे फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल जो कि मैंने इसी ओप्पो रिनो 3 प्रो से क्लिक किए हुए थे। तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लगी। वैसे आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका जो पोर्ट्रेट मोड का इफेक्ट है वीडियो में और फोटो में हम बात करें आपसे, तो ये बहुत ही ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब दूसरे मोबाइल से काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका कैमरा क्वालिटी। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज़। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।